वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि शाला दर्पण पर आया स्माइल टू प्रोग्राम। स्माइल टू प्रोग्राम शाला दर्पण स्कूल लॉगिन टैब में आया है और इसको कैसे फॉलो करना है, स्टूडेंट को कैसे ड्रेस करना है, ये सारी जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। और उसमें मोबाइल नंबर की वजह से क्या अड़चन आ सकती है, ये भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्टूडेंट एसएससी इंफॉर्मेशन अपन ने क्लिक कर ली और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास सेलेक्ट, सेक्शन सेलेक्ट, आफ्टर क्लास टीचर सेलेक्ट, कौन है इस क्लास का क्लास टीचर फॉर एग्जाम्पल है। और जैसे ही शो बटन किया तो यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। अब विद्यार्थी का नाम है, अभिभावक का नाम है, मोबाइल नंबर है और विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम अपन को स्माइल टू की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। स्माइल टू की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेस ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट। ये मैंने मेरे पीओ ग्रुप में 12 दिसंबर को ही पोस्ट की थी। और इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या है, व्हाट्सएप है या टीवी है या रेडियो है या फिर ऑफलाइन है। ऑफलाइन यानी कि अपन घर घर जाकर भी स्टूडेंट को ट्रेस करते हैं, उसको शिक्षण सामग्री देते हैं, उसकी गृह कार्य की जांच करते हैं। तो वो जाँच भी इसमें जो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन या व्हाट्सएप के जरिए रेडियो टीवी के जरिए जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार यहाँ पर विद्यार्थी के गृह कार्य की जाँच भी होगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसका सिस्टम मैं आपको बाद में और आगे बताने वाला हूँ कि इसको यहाँ पर ये आप कुछ भी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल हाइड कॉलम है। लेकिन यहाँ पर आप जो सिलेक्शन करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी कैसे होगा वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन शो कर दिया स्टूडेंट को कि भाई आप ऑनलाइन उसको गृह कार्य का माध्यम है स्टूडेंट का ऑनलाइन है, व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा आपने तो उसके जरिए, लेकिन यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो है वो दिक्कत कर सकता है। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर की लिस्ट स्टूडेंट के सामने है, यहाँ पर सभी एक टाइप के मोबाइल नंबर ही लिखे हुए हैं, केवल इसमें ये एक मोबाइल नंबर डिफरेंट है, बाकी ऊपर के 1 2 3 4 5 ये मोबाइल नंबर सभी एक ही है। ये किसके हो सकते हैं, अभिभावक के, सभी के मोबाइल नंबर, यहाँ पर अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अभिभावक के पास में मोबाइल नंबर नहीं हो तो स्कूल के क्लास टीचर का मोबाइल नंबर अपन पहले दर्ज कर देते। लेकिन अगर आप ये अपना मोबाइल नंबर है अपने किसी टीचर का है या प्रीवियस टीचर का है तो क्लास टीचर का मोबाइल नंबर या संस्था प्रधान का है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको व्हाट्सएप के जरिए हम उस स्टूडेंट को गृह कार्य देते हैं तो ये यहाँ पर दिक्कत कर सकता है। तो आप यहाँ पर अभिभावक का वास्तविक नंबर है वो शो करें पहले। तो अभी अपने शीतकालीन छुट्टियों में पोचार प्रभारी को क्वार्टर पर रहना भी है तो वो हो सकता है अभी अपने पास में जो पोचार सामग्री लेने आएंगे तो उसमें अभिभावक का मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं। और मोबाइल नंबर लेने के बाद में एडिट प्रपत्र 5 में जा करके आप उनका वास्तविक मोबाइल नंबर सबमिट कर दें तो आपको यहाँ पर ड्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने यहाँ पर गलती से हम व्हाट्सएप के जरिए या ऑनलाइन हम उनसे कांटेक्ट करते हैं ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर सेम हो जाएगा तो ये दिक्कत कर सकता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन था। आफ्टर एज यू लाइक, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लास को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं। जैसे अपने दूसरी क्लास को सेलेक्ट किया, दूसरी क्लास में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर होंगे। ये आप देख सकते हैं सभी में एक ही मोबाइल नंबर है, यहाँ पर कॉमन मोबाइल नंबर लगा हुआ है। ये किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप अगर उसको ऑनलाइन या व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करते हैं तो कौन सा हुआ यही नंबर है, आप अपने ऊपर ही मैसेज करते हैं या जिसका एक ही नंबर है उस पर ही मैसेज करते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्या विद्यार्थी से कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या रहेगा, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको अपना स्टाफ कॉर्नर लॉगिन करना है। क्या लॉगिन करना है, स्टाफ विंडो, जिसमें आप अपनी सीएल
पीएल या मेडिकल लीव के लिए अप्लाई करते हैं, जो अपने पर्सनल है स्टाफ विंडो उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद में होम के जस्ट नीचे यहाँ पर स्माइल टू दिया हुआ है। इसमें तीन ऑप्शन है, स्माइल क्लास टीचर्स डिटेल, स्माइल टीचर्स स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट वीकली डिटेल्स। ये स्टूडेंट वीकली डिटेल्स ये है कि आप जो गृह कार्य देंगे उसको सप्ताह के एंड में आप इसको चेक भी कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आप आगे प्रोवाइड करवा सकते हैं। वीकली चेक करके गृह कार्य जो भी है वो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें सबसे पहले है कि स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, जैसे स्माइल क्लास टीचर अपने क्लास टीचर कौन है, उस क्लास के आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं वो है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि अगर क्लास टीचर बदल जाता है, जैसे उपरोक्त में बदलाव की स्थिति में शाला प्रधान से संपर्क करें, तुरंत अपडेट करवाएं। यानी कि इस नोट का मतलब ये है कि हो सकता है आप पहली क्लास के क्लास टीचर हैं और आपको दूसरी कक्षा का क्लास टीचर बना दिया, तो आप यहाँ पर पहली क्लास की जगह दूसरी क्लास का क्लास टीचर बनने के लिए आपको शाला दर्पण में अपडेट करना पड़ेगा। जब वहाँ पर आप शाला दर्पण अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आप क्लास टीचर दूसरी के बन जाएंगे, जो भी है आपका। दूसरा पॉइंट है इसमें स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। अब यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये सिस्टम अभी वर्किंग में नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है और इसके बारे में भी मैं एक ट्यूटोरियल और भी बना दूंगा जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। इसमें आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी क्लास के क्लास टीचर हैं, और सेक्शन सेलेक्ट करते ही शो बटन करेंगे तो जैसे ही अपने शाला दर्पण में अभी अपने देखा था कि स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी, वो लिस्ट शो हो जाएगी और यहाँ पर गृह कार्य वगैरह आपका माध्यम, गृह कार्य का माध्यम क्या है, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन आपने चेक किया, वो सारी सिस्टमेटिक यहाँ पर वो हो जाएगा और वो यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाएगा कि आप ऑनलाइन के ज़रिए स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप यानी कि, या ऑफलाइन घर घर जाके कांटेक्ट करते हैं, या स्टूडेंट टीवी रेडियो के माध्यम से सिलेबस है वो घर पे टीवी की सुविधा है तो उसके ज़रिए स्टूडेंट स्टडी करता है, या जो भी उसका माध्यम है वो पहले यहाँ पर आप लिखेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर 22 तारीख को एक आदेश मैंने ये भी पोस्ट किया था पीओ ग्रुप पर कि दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम शिक्षा दर्शन प्रसारण RSCRT का उदयपुर का ये आदेश था यहाँ पर, और ये उसी दिन की पेपर न्यूज़ भी थी शायद कि दूरदर्शन पर अब शिक्षा दर्शन प्रसारण शुरू। इसमें यहाँ पर अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय भी बताया हुआ है। दूरदर्शन राजस्थान पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 के लिए 1.25 घंटा और 9 से 12 के लिए 2 घंटे का प्रसारण होगा। इसमें रोजाना समय 12:30 से 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 और 3 से 4:15 तक कक्षा 1 से 8 यानी कि 1.25 घंटा तक कक्षा 1 से 8 का कार्यक्रम रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट का अधिगम सामग्री का माध्यम क्या है, यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, या टीवी दूरदर्शन के माध्यम से, और नेक्स्ट कॉलम में विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम कि यहाँ पर जो गृह कार्य है वो दिया है वो किस माध्यम से दिया है, और आपने इसकी जाँच की और जाँच करने के बाद में अपन को पोर्टफोलियो वगैरह जो फाइल है उसमें चढ़ाना भी है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जैसे ही वर्किंग में आता है इसका फुल प्लेस वीडियो भी मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल जो आपको कार्य करना है वो ये है कि अभिभावक के मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हैं तो यहाँ पर सबमिट कर देने हैं, और जिस स्टूडेंट के अभिभावक का नंबर नहीं है उसमें या तो क्लास टीचर या संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, क्योंकि अब ये सारी चीज़ अपन को ऑनलाइन शो करनी है और गृह कार्य का माध्यम आप सेलेक्ट करेंगे अपने स्टाफ लॉगिन करने के बाद में। यहाँ पर स्टाफ कॉर्नर से सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जाएगी। ये आपका स्टाफ कॉर्नर आपका पर्सनल है और वीकली आपको इसकी जांच भी करनी है, स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस उसकी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक संक्षिप्त जानकारी स्माइल टू के बारे में जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।